मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 3 लाख से भी ज्यादा ऑटो रिक्शा हैं और हर ऑटो ड्राइवर की जिंदगी एक कहानी है, लेकिन अमर के साथ जो हुआ वो हम सब की कल्पना से भी परे है। अरे ओ चंदा, का हुआ? कहाँ खोई हुई हो? अरे सपना, तू कब आई? 10 मिनट हो गई, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। का हुआ? अरे दिल बहुत घबरा रहा है। मुन्ना के पापा कल सुबह गए थे, अभी तक लौटे नहीं हैं। मतलब रात भर बाहर? हे राम, एक बात कही चंदा तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगी? ये मुन्ना के पापा कहीं किसी दूसरी औरत के चक्कर? तुम मेरा कान मत भरो, मुन्ना के बाबू ऐसा कभी नहीं करेंगे। कोई लंबा भाड़ा मिल गया होगा तो वहीं फंस गए। अरे भाई, जब तुमको इतना ही भरोसा है तो फिर काहे घबरा रही हो? आ जाएंगे तुम्हारे मुन्ना के पापा। पर एक बात बताएं, मर्द लोगन का कोई भरोसा नहीं है, झूठी पत्तल चाटने का बड़ा शौक होता है इनको। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। अरे ये देखो, तुम्हारी अम्मा आ गई। अरे ओ चंदा रानी, कहाँ थी तुम? हम और मुन्ना कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, हम नहीं बात करेंगे आपसे। कहाँ थे रात भर? एक फोन नहीं कर सकते थे? क्या क्या सुनना पड़ता है हमको लोगों से। अरे तुम लोगों की बातों को मन पे मत रखा करो। तो बताइए, कहाँ थे रात भर? सारी बातें यहीं पे करोगी? हमको और मुन्ना को भूख लगा हुआ है, पेट पूजा नहीं कराओगी? इनको तो बस बहाना बनाना आता है। लाओ लाओ, पकड़ लेते हैं। नहीं रहने दीजिए, अब हम उठा लेंगे। लाओ लाओ, चलो 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 बेटा, खिलाते हैं तुमको। दूसरी औरत के साथ दिखे ना तो कसम से बता रहे हैं, जान दे देंगे। पापा, पापा। कैसी हो चंदा? ठीक है, कराई चुगली। अरे हम काहे करेंगे किसी की चुगली, हमें क्या करना? झूठी पत्तल जिसे चाटनी है वो चाटे। ताने मत मारो, वो रोज रात को ना डबल ड्यूटी करते हैं। अगर डबल ड्यूटी करते तो काहे बेचते खुद की रिक्शा? वैसे एक बात बताएं, डबल ड्यूटी का मतलब समझती हो तुम? दिन में घर वाली और रात में बाहर वाली, ये होती है इन मर्द लोगन की डबल ड्यूटी। वैसे बताओ, तुम्हारा पतिदेव कहाँ है? आइए साहब, देखिए वो लाश पड़ी है। आसपास सब चेक करो, कुछ मिला? नहीं सर, ना तो कोई लाइसेंस है ना ही बैच। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? इस आदमी ने सर, इसी ने फोन किया था। इधर आओ। जी साहब। क्या नाम है तुम्हारा? राजू साहब। क्या कर रहा था तू यहाँ? साहब वो तो मैं धार मारने को आया था, देखा तो इधर लाश पड़ी हुई है। गायकवाड़, बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आरटीओ से रिक्शा की डिटेल निकालो। बॉडी पर खाकी यूनिफॉर्म है, मतलब रिक्शा भाड़े का है। आसपास के सभी रिक्शा यूनियन के ऑफिस चलते हैं, शायद कुछ पता चले। यस सर। गायकवाड़ चेक करो अच्छे से। हो साहब। मिला कुछ? काम की कोई चीज नहीं है सर। चलो रिक्शा यूनियन ऑफिस। यस सर। नमस्ते साहब। क्या हुआ? इसको पहचानते हो? इसको इधर देखे ना साहब, लेकिन इसका नाम मुझे मालूम नहीं है। MH02CT 6302। ये रिक्शा किसका है? एक मिनट साहब, मैं चेक कर लेता हूँ। MH02 हाँ साहब, ये तो रमाकांत पांडे का है। कहाँ मिलेगा ये? आइए मिले चलता हूँ। देखिए साहब, यही है रमाकांत पांडे। रमाकांत पांडे? रमाकांत, हाँ चल बाहर निकाल। इसको पहचानता है? ये तो अमर सिंह है साहब। क्या हुआ साहब? इसने मेरा ऑटो ट्रक के नीचे डाल दिया क्या? नहीं, इसकी लाश मिली है। लाश? कब से जानता है इसको? मेरे गांव का है साहब। कहाँ रहता है? ये राशि मीरा के पास वाली बस्ती में। ठीक है, चलो। ये अमर सिंह का घर कहाँ है? ये सामने है। ये अमर सिंह का घर है? हाँ। तुम उसकी धर्मपत्नी चंदा? जी। देखिए, हमें अमर सिंह की लाश मिली है। ऐसा नहीं है। इस आदमी की मौत डूबने से ही हुई है, पर बॉडी पे कई निशान है। कैसे निशान डॉक्टर? बेल्ट के, नाखून के, सीने पर दांत से काटने के, बाइट मार्क्स, दांतों के निशान, वो भी दो अलग अलग लोगों के, और सर गुप्तांग पे भी इंजरीज है। अच्छा, कुछ निशान पुराने हैं और कुछ फ्रेश, डेथ से 6-7 घंटे पहले के। ओके, थैंक यू डॉक्टर। गायकवाड़, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई प्यार व्यार का चक्कर हो? किसी को पता चल गया और उसने उसे बेल्ट से बहुत मारा और बाद में डूबने के लिए उसे पानी में छोड़ दिया। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि अमर सिंह ने किसी फीमेल पैसेंजर के साथ रेप करने की कोशिश की हो और मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या कर ली हो सकता है। लेकिन अगर ये सुसाइड है तो सिंपल है, और अगर ये मर्डर है तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह तो जरूर होगी। अमर की जेब से एक चिट्ठी मिली जिसके मुताबिक उसने आत्महत्या की थी, लेकिन कई सवाल अब भी सामने थे। क्या वाकई ये आत्महत्या थी या किसी ने उसे मजबूर किया था? घर में तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आ रही थी कि वो ऐसा कदम उठाए, तो फिर आखिर उसके साथ हुआ क्या था? क्या हुआ? चंदा बुलाया था? पढ़ो। हम अपनी जान अपनी मर्जी से दे रहे हैं। हमारी मौत का कौनो जिम्मेदार नहीं है। चंदा रानी, हो सके तो हमको माफ कर देना। अमर सिंह। अमर का कोई तुमसे झगड़ा वगैरह हुआ था? नहीं साहब। इस खत के मुताबिक अमर सिंह तुमसे माफी मांग रहा है। क्या बता सकती हो वो किस बात के लिए माफी मांग रहा है? ऐसा कुछ नहीं था साहब। कोई ऐसी टेंशन, कोई खास बात जो वो तुमसे छुपा रहे हो? कुछ दिनों से अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। आज ही अचानक हमको आइसक्रीम खिलाने काहे ले आए? बहुत पसंद है ना तुमको, हमारी याद आएगी तो आइसक्रीम खा लीजिएगा। हमारी याद आएगी का क्या मतलब है? कहीं जा रहे हैं का हमको छोड़ के? अरे नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं। भैया आइसक्रीम दीजिए। हाँ आइसक्रीम खाओ, पिघल जाएगी ना, नहीं तो। ऐसे ही जिंदगी हमसे नाराज है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, आजा। अरे तुम ही तो ना हमारी जिंदगी, और तुम नाराज तो जिंदगी भी नाराज। खाओ। चलो आओ मुन्ना। क्या बताता है ये सब करते। गायकवाड़, पूरी बस्ती में पता करो ये अमर सिंह किस तरह का आदमी था। कोई गंदी आदत, गलत संगत, या फिर किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? जी साहब। ये आपके पड़ोसी थे अमर, इनके बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। जी पूछिए। ये अमर का किसी दूसरी औरत के साथ कुछ चक्कर वक्कर था क्या? नहीं साहब, वैसे हम हंसी ठिठोली तो करते थे चंदा से, पर उसका अपने पति पर बहुत विश्वास था। दोनों में बहुत प्रेम था। अमर भैया ऐसा कुछ कर लेंगे ये नहीं पता था हमको। थैंक यू। अमर सिंह को जानता है? हाँ साहब। क्या हुआ साहब? कैसा आदमी था वो? सर वो बहुत अच्छा इंसान था। किसी औरत से कोई चक्कर वगैरह? नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं था। ये अमर सिंह ने कभी किसी से कोई कर्जा लिया था? कर्जा? अरे नहीं साहब, वो तो बहुत सीधा आदमी था। हम लोगों को उल्टा जब जरूरत पड़ती थी तो हम लोगों से कर्जा लिया करते थे साहब। साहब मैं बताता है असली बात। वो यादव है ना साहब, यादव। कौन यादव? वो अपना अमर का दोस्त साहब। वो दिन आया था साहब, उसको बहुत मारा साहब, बहुत धोया साहब, उसको बैल से मारा साहब उसको। क्या सुबह सुबह पेपर में लगे लाए यार। क्या है ये? ले अरे अभी बताता हूँ तुझे। रुक जा, बताता हूँ। कहाँ जा रहा है तू? धोखेबाज 420 करता है हमसे, पैसा हमसे लेता है और ऑटो बेचता किसी और को। नहीं, मेरा पैसा निकाल दे वरना आज मैं तेरी खाल धोड़ के रख दूंगा। निकाल पैसा, मेरा पैसा दिया जान ले दूंगा। अरे तुम यूनियन के आदमी सारे। चलना अभी, चलना है, छोड़ूंगा अभी। छोड़ मत मारो, शाम तक मेरा पैसा मुझे मिल जाना चाहिए वरना जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। हाँ जा, चल मिलेगा चल। बहुत धोया साहब उसको, बैल से मारा साहब उसको। यादव अभी कहाँ मिलेगा साहब? वो वहीं पे चाय पी रहा होगा। हाँ साहब। गायकवाड़ लेके आओ उसको। यस सर। साहब समझ में नहीं आया वो ऐसा काय के लिए क्या साहब। एक रिक्शा दो जन को कैसा क्या बेचा समझ में नहीं आया साहब, पर वो ऐसा भी नहीं था साहब। वो बहुत ही अच्छा आदमी था साहब। सर ये रहा यादव। क्या रे यादव, बहुत दादागिरी करता तू। अमर सिंह को बेल से मारा था तूने? नहीं साहब। कौन बोला? गायकवाड़ गाड़ी में डाल इसको। थाने में चलकर इसके क्या क्यों का जवाब देंगे। शिंदे हो सर, इसकी बेल्ट को फॉरेंसिक लैब भेजो। हो सकता है अमर सिंह के जख्मों के निशान और बेल्ट में लगे निशान मैच कर जाएं। गायकवाड़ ये अमर सिंह की बात चंदा को बुलवाओ। यस सर। चल बैठा इसको। नहीं साहब। पापा की जान ली है। ये रोज आके उनको धमकाता था साहब। छोड़िएगा नहीं साहब, इसी ने मारा है उनको। ठीक है, हम लोग देखते, तुम जाओ। क्या रहा यादा, अब तू मुंह खोलेगा या तेरी खातिरदारी करवाऊं? साहब अब कौनो गलती नहीं की साहब, हमने साथ में धोखा किया। वो साहब 50,000 रुपये हमने साथ में ऑटो का सौदा किया, 45,000 रुपये हम उसको तुरते दे दिए साहब, 5,000 रुपया बचा रहा। लेकिन साहब वो किसी दूसरी पार्टी को 60,000 रुपया में ऑटो बेच दिया। हम कहे कि हमारा पैसा लौटा दो साहब, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए साहब, एक हफ्ता हो गया, लेकिन वो पैसा देने को तैयार नहीं हो रहा था साहब। क्या करते साहब, हम मेहनत की कमाई थी, आ गया गुस्सा। ये दूसरी पार्टी कौन है? उसका दोस्त साहब, वो घोरबंदर वाला अशोक मेहतो। अशोक मेहतो, नंबर दे उसका। चंदे हो जाए, नंबर ले, हो जाए, नंबर दे। हाँ ये साहब। अभी कहाँ मिले गए साहब? वो थाने से भिवंडी मुलुंड चलाता है, खाली लंबा भाड़ा उठाता है साहब वो। मोरे हो सर, हाथ में लटा के ला। गायकवाड़ चलो जरा मातों से मिलके आते हैं। गायकवाड़, अभी तक हमने जितने भी लोगों से पूछताछ की, सबने यही कहा कि अमर बहुत अच्छा आदमी था। अब अगर वो इतना ही अच्छा आदमी था तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उसने अपना ऑटो एक ही समय में 2 लोगों को क्यों बेचा। सर हो सकता है कि अमर किसी बुरी लत में फंस गया हो जो किसी को पता ही ना हो, जैसे औरत का चक्कर। ऐसे केसेस में आदमी ज़्यादातर छुपाने की कोशिश करता है कि किसी को कुछ पता ना चले, और ऐसे केसेस में ही पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। तुमने अमर की कॉल डिटेल चेक करी, कुछ डाउटफुल मिला? सर ज़्यादातर कॉल्स उसने गाँव या अपनी पत्नी को किए थे, लेकिन सुसाइड के 2 घंटे पहले उसने 7-8 कॉल्स किसी अननोन नंबर्स पर किए थे। मैंने फोन लगाया तो वो स्विच ऑफ था। मैंने डिटेल्स मंगवाई हैं सर। गायकवाड़, मुझे अमर के नंबर के लोकेशन की सारी डिटेल चाहिए। यस सर। क्या यार राजू भाई, हेलो, रुको, पकड़ो गायकवाड़, पकड़ो सर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं। चल अशोक मैं तो कुटे है, अरे फोन ना, अशोक मैं तो कुटे है साहब, अभी भाड़े लेके गया साहब। कितनी देर में आएगा? सर अभी हमारे साथ जुआ खेल रहा था, सारा पैसा हार गया तो बोला अभी आता रुक कमा के लाता हूँ मैं। कितनी देर में आएगा? आ जाएगा थोड़ी देर में साहब। लेके जाए इसको। सर अमर के फोन की डिटेल लोकेशन मिल गई है। वो मलाड से राशि मीरा आया था, यहाँ 4 घंटे रुका, उसके बाद चला गया। राशि मीरा में कहाँ? किसी मीरा पार्क बिल्डिंग के पास। और सर अमर ने 7-8 बार जिस नंबर पर कॉल किया था उसका नाम उमेश है, उसका भी एड्रेस मिल गया है। उमेश ये वही है ना जिसने यादव के बारे में खुद आकर बताया था? वो साहब। गायकवाड़ तू इकड़े थम, मातों को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच, मैं उमेश से पूछताछ करके पहुँचता हूँ। गपुरी अच्छा, सब 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 मीगा के लिए साहब। क्या रमेश तू भाग क्यों रहा था? साहब कुछ नहीं साहब। ये अमर सिंह तुझे बार बार फोन क्यों कर रहा था, वो भी सुसाइड से पहले? साहब वो पहले भी मेरे को फोन किया था साहब, मैं उसका 6,000 रुपये उधार ही लिया था साहब। जब भी उसने फोन किया ना साहब, मैं रिक्शा चला रहा था, मैं इसलिए उसका फोन उठाया नहीं, बाद में उठाया, बात किया। वो मेरे को बोला कि मेरा बिल्डिंग में आके मेरे को पैसा दे, मैं गया उधर पैसा दे के आया, लेकिन साहब वो बहुत टेंशन में था साहब। तो ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? बहुत डर गया था साहब, पुलिस के लपड़े में ना अपने को पढ़ने का नहीं साहब। अच्छा उसने तुझे मीरा पार्क बिल्डिंग में क्यों बुलाया? वहाँ का उसका पहचान कराता था क्या? नहीं साहब वो अपने को मालूम नहीं है साहब, उसका कौन रिश्तेदार रहता था नहीं रहता था अपने को मालूम नहीं साहब। अगर उसकी कोई भी खबर तुझे मिले ना तो पुलिस को बताना। हो साहब। नमस्ते साहब। क्या नाम है तुम्हारा? रुपेश साहब। इसको पहचानते हो? नहीं साहब। अच्छा तुम ड्यूटी में अकेले रहते हो या तुम्हारे साथ कोई दूसरा वॉचमैन भी रहता है? मैं अकेला साहब। और रात में? रात में एक वॉचमैन है, 8 बजे वाला नाइट वॉचमैन साहब। इसको पहचानता है ये? हाँ साहब, 302 में इसके रिश्तेदार रहते हैं साहब। रिश्तेदार? जी साहब, लेकिन पिछले 2-3 दिन से वो लोग यहाँ पे है नहीं साहब। 15 तारीख को था ये? 15 तारीख, एक मिनट साहब मैं देख के बताता हूँ रजिस्टर में। शेखर साहब जी 15 तारीख को एंट्री है साहब। हेलो अशोक, मैं तो लग घेऊ ना आलो है साहब। ठीक है, ये तो मी राणे सर, तू यहाँ रुक और शेखर पर नजर रख। नमस्ते साहब। क्या नाम है तेरा? अशोक महता साहब। अमर सिंह से ऑटो खरीदा था? हाँ साहब। क्यों, क्या हुआ? कितने में खरीदा था ऑटो? साहब 60,000 में। क्या सब चोरी का था क्या? ये अमर सिंह को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो उसने तुझे ऑटो बेचा? सर मुझे नहीं मालूम। क्यों, तू तो उसका दोस्त है, तुझे तो मालूम होना चाहिए। साहब काय का दोस्त? एक अपने दोस्त के साथ डांस बार के बाहर मिला था और हो गई जान पहचान। डांस बार? अमर दर दिन जूलियट बार में जाता था, वहाँ के एक नाचने वाली को लेके साथ में घुमाता भी रहता था और दोनों हंस हंस के बात भी करते थे। ठीक है, तुम जा सकते हो। देखा गायकवाड़, ये अमर के दिखाने के दांत कुछ और हैं, खाने के कुछ और। चलो जूली बार। सर, मनीषा नाम की एक डांसर अमर के रिक्शे से आया जाया करती थी, लेकिन आज वो छुट्टी पर है। मतलब अमर यहाँ रोज आता था? यस सर। एक काम करो गायकवाड़, बाकी जितने दूसरे ऑटो वाले हैं उनसे पूछताछ करो। यस सर। ए, इधर आ। हाँ साहब, क्या हुआ साहब? इसको पहचानता है? साहब ये तो अपना अमर है साहब, यहाँ तो रोज आता ही है। यहाँ की फेमस आइटम है ना मनीषा, उसे रोज ये भाईंदर से यहाँ लेकर आता है। अच्छा? हाँ साहब, साहब परसों रात को अमर के रिक्शा से मनीषा उतर के इसी बार में गई है साहब, और अमर ने एक बार भी सर मुड़कर देखा नहीं हमें। साहब मनीषा के इंतजार में अमर यहाँ रात 2 बजे तक रहता था। जैसे ही वो आती थी उसे लेकर तुरंत भागता था। ठीक है, एक साधारण सा ऑटो रिक्शा चलाने वाला अमर सिंह, जिसका चरित्र अब तक बेदाग ही लग रहा था, अचानक उसकी कहानी में एक बार गर्ल का नाम आया। क्या वाकई उसका ऐसा कोई चेहरा था जो लोग नहीं जानते थे? अपने परिवार से बेअंतहा प्यार करने वाला आदमी क्या एक बार गर्ल पर अपना सब कुछ लुटा रहा था? क्या थी उसकी सच्चाई? मैं लोनावाला में थी साहब, मिनिस्टर साहब के फार्म हाउस पर पार्टी थी उधर। अमर को कैसे जानती? 2-3 महीने से उसी के साथ बाहर आती जाती थी। रात को जाने के लिए कोई भरोसे का आदमी लगता है, और अमर बड़ा ही नेक बंदा था, कभी बुरी नजर से नहीं देखा मेरे को साहब, इसलिए उसको परमानेंट कर लिया। लेकिन हमने तो सुना कि तुम उसकी आइटम थी। कौन बोला साहब? वो राजू ऑटो वाला, वो कमीना लाइन मारता था मुझ पर। उसके साथ रिक्शे में नहीं आती जाती तो अमर को बदनाम कर रहा है वो। कभी कुछ तुम्हें अजीब सा लगा? नहीं साहब, अजीब सा तो नहीं, पिछले कुछ दिनों से टेंशन में था वो पैसों को लेकर। मुझसे 25,000 मांगा था, बोला कुछ अर्जेंट काम है, लेकिन साहब मेरे पास सिर्फ 15 ही थे, मैंने 15 दे दिए। क्यों साहब, कुछ लफड़ा किया गया? अमर, हमें अमर की लाश मिली है। क्या? ठीक है, तुम जा सकती हो। जी साहब। गायकवाड़ सर, नजर होगा इस पे। ओके सर। इसको पहचानते हो? हाँ साहब, ये तो फ्लैट नंबर 302 में आता था। क्यों? वो तो पता नहीं, लेकिन अक्सर रात में आता था, कहता था कोई रिश्तेदार रहता है। फ्लैट नंबर 302 में अमर और शेखर दोनों रिक्शा वालों के रिश्तेदार आते हैं। इस फ्लैट में कौन रहते हैं? वो अरुणा नाम की मैडम रहती हैं। अच्छा, दोनों के अलावा भी फ्लैट में कोई और आता जाता था? हाँ, एक सुनीता नाम की मैडम आती रहती हैं। ठीक है गायकवाड़, चलो चलकर फ्लैट चेक करते हैं। यस सर। ये फ्लैट का मालिक कौन है? ये तो शर्मा जी का है, सी विंग में रहते हैं। बुला के लाओ। जी। पूरे घर की तलाशी लो। यस सर। राम अवतार जी, ये फ्लैट आपका है? जी सर। कौन कौन रहता था यहाँ? सर वो अरुणा और उसकी माँ महालक्ष्मी शर्मा यहाँ रहती थी। मतलब सर वो 3 दिन पहले खाली करके चले गए ना। क्या ये महालक्ष्मी शर्मा? जी। आप इनसे मिले? नहीं सर, मैं नहीं मिल पाया क्योंकि इनकी तबीयत खराब रहती थी। और बिना मिले आपने इनका एग्रीमेंट बना दिया? सर वो अरुणा बोली बीमार है, मिल नहीं पाया मैं। इस एग्रीमेंट के मुताबिक तो ये 3 महीना पुराना है, मतलब वो माँ बेटी सिर्फ यहाँ 3 महीने रही। जी सर। शर्मा जी एक बात समझ में नहीं आई, 3 महीने पहले उन लोगों ने फ्लैट लिया फिर खाली कर दिया, आपने पूछा नहीं क्यों? सर वो बोल रही थी हम गांव जा रहे हैं। सर वॉश बेसिन के नीचे कागज का ये जला हुआ टुकड़ा मिला है, लगता है कोई डॉक्यूमेंट जलाया गया है। फॉरेंसिक लैब भेजो इसे। अच्छा शर्मा जी, वो फ्लैट छोड़ते समय आपको कोई शक की बात लगी? शक की तो नहीं, लेकिन वो बहुत जल्दी में थी। वो मुझे चेक दे रही थी, मैंने कहा आखिरी किराया मुझे कैश दे दो, तो उसे गुस्सा आ गया, गई एटीएम कैश लाई, मुझे दे दिया। ठीक है गायकवाड़ चलो। और वॉचमैन मैं लाइट बंद कर गया है। गायकवाड़ सर, आसपास के सभी एटीएम के सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, बैंक की डिटेल निकलवाओ, चंदा को बुलवाओ, पता तो चले सरुणा मैडम का इन लोगों से रिश्ता क्या है। यस सर। नहीं साहब ये झूठ है, अरुणा नाम की हमारे कोनो रिश्तेदार नहीं है। देखो मनीषा नाम की एक बार डांसर को तुम्हारा पति रोज बार में छोड़ने जाता था, क्या उसने कभी तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया? का कह रहे साहब, ये सब झूठ है साहब, कसम से हम बता रहे। मुन्ना के पापा ये बिल्कुल ऐसे नहीं है, वो किसी औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते थे। ये तुम्हारा मानना है, लेकिन तुम्हारे पति की जिंदगी में 2 औरतें हैं। नहीं। इसके हमारे पास सबूत है। अच्छा तुम किसी शेखर को जानती हो? क्या लगता है तुम लोग को? उनके दोस्त हैं और का रिश्ता होगा। सर एक अपडेट है। ठीक है तुम जा सकते हो। नमस्ते सर। अमर का दोस्त शेखर अमर की ही तरह आजकल सबसे पैसे उधार मांगता फिर रहा है। लगता है इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। अब ये पैसों की जरूरत ही इस केस को सुलझाएगी। हेलो पीआई सावंत। इंस्पेक्टर साहब, आपने जो बेल्ट भेजा था वो अमर की बॉडी पर लगे निशान से मैच नहीं कर रहा है, और जो जला हुआ कागज का टुकड़ा आपने भेजा था वो किसी ड्राइविंग लाइसेंस का टुकड़ा है। ठीक है। बड़ी अजीब बात है गायकवाड़, 2 ऑटो ड्राइवर एक ही औरत से एक ही फ्लैट में अक्सर मिलने जाते हैं, और उन दोनों वॉचमैन का यह कहना है कि वो औरत अमर और शेखर की कोई रिश्तेदार है और दोनों को ही पैसों की जरूरत थी, जिनमें से एक सुसाइड कर लेता है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि अमर की सुसाइड के कुछ दिन बाद वो औरत फ्लैट खाली कर देती है, और उस खाली फ्लैट में हमें मिलता है एक जला हुआ ड्राइविंग लाइसेंस का टुकड़ा। भला कोई किसी के ड्राइविंग लाइसेंस को क्यों जलाएगा? एक काम करो शेखर को उठाओ, इससे पूछताछ करते हैं। यस सर। चल चल लिमट वाली बगल वाली। क्या हुआ साहब? चल मैंने क्या किया साहब? चल थाने में बताते हैं। मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मुझे क्यों पकड़ रहा है? बता ए चुप बैठ। मैंने कुछ किया ही नहीं साहब। क्या रहा शेखर? ये मीरा पार्क अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 302 में किससे मिलना जाता था तू? मेरी रिश्तेदार है साहब। क्या रिश्ता था? दूर का रिश्ता है साहब। चल तेरे इस दूर के रिश्ते को मैं थोड़ा नजदीक लाता हूँ। अमर तेरा दोस्त है ना? जी साहब। वो भी अपनी किसी रिश्तेदार से मिलने उस अपार्टमेंट में जाता था जैसी तेरी रिश्तेदार है, लेकिन अमर की बीवी चंदा ने बताया कि उन लोगों की ऐसी कोई भी रिश्तेदार नहीं है। आखिर ये चक्कर क्या तुम लोगों का? तुम दोनों अक्सर एक ही फ्लैट में जाते थे जहां पे अरुणा मैडम तुम लोगों को मिलती थी। तुम दोनों को पैसों की बहुत जरूरत थी। ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी तुम लोगों को? मैंने किसी से पैसे नहीं लिए साहब। तेरे कर्जे की पूरी लिस्ट है मेरे पास, अभी तू बोलेगा या दो? सब बोला। सब मैंने पैसे लिए साहब, मुझे अभी भी बहुत पैसों की जरूरत है साहब। वो लोग मुझे रोज फोन कॉल करते हैं साहब, पैसे मांगते हैं, धमकी देते हैं साहब। उधार पैसे मांग के मैं थक गया हूँ साहब, अब मैं नहीं जीना चाहता हूँ साहब। मैं भी अमर की तरह जान दे दूंगा साहब। मैं जीना नहीं चाहता हूँ साहब। फोन करके तुझसे पैसे कौन मांगते थे? वो मैडम? साहब का दिमाग फिर गया ना, तो तेरी पसलियां बहुत रोएंगी, इसलिए सब सच सच बकते। तूने ही कुछ गलत किया होगा उन औरतों के साथ। बोल क्या गलत किया था, बोल। मैंने कुछ गलत नहीं किया साहब, उन औरतों ने गलत किया साहब, उनने गलत किया साहब। क्या गलत किया था? मैंने पूछा क्या गलत किया था साहब। उसने मेरा बलात्कार किया साहब, बलात्कार किया साहब। हम पुलिस वालों को एड़ा समझा तूने? बलात्कार वो भी तेरे साथ? सच कह रहा हूँ साहब, उन दोनों औरतों ने मेरा और अमर दोनों का बलात्कार किया साहब। साहब इसी बात की तो शर्म थी साहब, इसी बात से तो घुट रहे हैं साहब। साहब उस रात राशि मेरा चलेगा क्या? चलेंगे ना मैडम, जहां बोलोगे उधर चलेंगे। अरे मैडम आराम से, आराम से। हाँ मैडम आराम से, आराम से मैडम। आपकी बिल्डिंग आ गई मैडम, कहाँ जाना है आपको? 302। पियो पियो, चीयर्स। अच्छा घर है मैडम। You like it? आप भी बहुत अच्छी हैं मैडम। Really? You sweet. कैसा लग रहा है? अच्छा? अच्छा लग रहा है मैडम। मैडम क्या कर रहे हो मैडम आप? मैडम 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 को बहुत मजे किए हैं ना? मैडम ये क्या मैडम? अरे रात भर तूने मजे किए, मुफ्त में थोड़ी मिलता है कुछ भी, इसकी कीमत देनी पड़ेगी तुझे। कीमत कर क्या रहे हो आप लोग? अगर इसके बारे में किसी को भी जरा सी भी भनक लगी ना, तेरे बस्ती के हर मोबाइल में अपलोड कर देंगे ये वीडियो, समझा? मैडम मेरे भी बाल बच्चे हैं मैडम, मैडम ये मत करना मैडम। ए नाटक नहीं, पुलिस के पास जाने की तो गलती भी मत करना। बिल्कुल नहीं, वरना हम कह देंगे कि तूने हमारा रेप किया है। मैडम ये गलत है मैडम। अब गलत या सही, 5,000 रुपये निकाल। कहाँ से लाऊंगा मैडम, गरीब आदमी हूँ मैं। ठीक है कोई बात नहीं, ये रख लेती हूँ मैं, 5,000 रुपये दे जा और ये ले जा। जब धंधा बंद हो जाएगा मतलब। उस रात मेरा दिमाग शॉर्ट हो गया था साहब, मैं फिसल गया था साहब। शुरुआत में 2-5 हज़ार की बात होती थी साहब, उसके बाद 10-20 हज़ार की बात होने लगी साहब। उन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया साहब। अरुणा, ये बेबी साहब, मैं और अमर अकेले ही उसके चंगुल में नहीं फंसे हुए थे साहब। वो जैसे कई ऑटो वाले उसके चंगुल में फंसे हैं साहब। उन दोनों औरतों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है साहब। छोड़ना मत साहब उसे। गायकवाड़ सर, शेखर की मदद से उन दोनों औरतों के स्केचेस बनवाओ। ये हमारे साथ से बच के नहीं जानी चाहिए। यस सर। गायकवाड़। यस सर। इस ओटी बैंक से अरुणा के अकाउंट की सारी डिटेल्स निकलवाओ। यस सर। अरुणा जी, बहुत मस्ती कर ली, बाकी की मस्ती थाने में। क्यों चला रहा? बट सर, अरे आप ऐसा नहीं कर सकते सर। आप ये नहीं कर सकते। हम बहुत रेस्पेक्टेबल फैमिली से हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू माई लॉयर। करा जल्दी इसको। छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया है? क्यों नहीं है? क्या किया है? सर, शुरू में एक्सीडेंटल था। शराब के नशे में एक दिन मैं रिक्शे वाले के साथ घर गई। शराब और शबाब ने हमारे होश उड़ा दिए। हमने खूब मजे किए। उसे भी अच्छा लगा। और जब हमने उसका वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया तो पैसे भी आने लगे। फिर हमने दूसरे ऑटो रिक्शा वालों को ऐसे ही फंसाया। मुझे लगा सॉलिड धंधा है ये। सर, इसी ने मुझे वो आइडिया ब्यूटी पार्लर में दिया था। मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत थी सर। लाइफ एंजॉय ही नहीं कर पाती थी। सोचा धंधा बुरा नहीं है, मजे का मजा, ऊपर से पैसा भी। लेकिन तुम दोनों ने रिक्शे वालों को अपनी हवस का शिकार क्यों बनाया? रिक्शे वाले पुलिस वालों के नाम से भी डरते हैं, ऊपर से फैमिली वाले होते हैं, बदनामी से दूर भागते हैं। तुम लोगों ने बहुत से निर्दोष लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। अब अपनी जिंदगी बर्बाद करना इन सलाखों के पीछे। इच्छा, आकांक्षा, लालसा, अगर ये एक सीमा में रहें तो बेहतर है, लेकिन जब वो सीमा तोड़ दें तब लोग सिर्फ उन्हें पूरा करने के लिए जीने लगते हैं और फिर कई बार जुर्म जन्म लेता है। अरुणा और सुनीता की कहानी कुछ ऐसी थी जिनकी लालसाओं की बलि चढ़े अमर जैसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और खाक में मिल गए कई परिवार। जीवन में बड़ी बड़ी इच्छाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो रास्ता हम चुनते हैं वो सही या गलत हो सकता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम सही रास्ता चुने, और अगर नहीं तो उन पर काबू रखें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।